नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज, मैं हूं नीता मिश्रा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही आरजेडी में संकट के बादल मंडराने लगे हैं और यही कारण है कि आरजेडी को फिर से एक सूत्र में बांधने की राबड़ी देवी लगातार कोशिश कर रही हैं और इसी वजह से कल राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की बैठक बुलाई गई थी। सभी को उम्मीद थी कि बैठक में तेजस्वी यादव जरूर शामिल होंगे, लेकिन बैठक शुरू हुई लेकिन तेजस्वी यादव नदारद रहे। तेजस्वी यादव लगातार लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही लगातार वो राजनीतिक से एक दूरी बना चुके हैं। विपक्ष लगातार पे निशाना साध रहा है लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही है कि आज जो फिर से राबड़ी देवी आवास पर बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में तेजस्वी यादव शामिल होंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और मीसा भारती आज पटना पहुंच रहे हैं और राबड़ी देवी के आवास पर जो बैठक आज फिर से होने वाली है उस बैठक में वो शामिल होंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कल भी राबड़ी देवी आवास पर बैठक बुलाई गई थी। तमाम दिग्गज, जितने भी आरजेडी के विधायक थे, तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन सभी को निराशा मिली क्योंकि बैठक राबड़ी देवी की अध्यक्षता में हुई, तेजस्वी यादव बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद यह बैठक बेनतीजा निकली। आपको बता दें कि इसके बाद यह फिर से फैसला लिया गया कि आज भी राबड़ी देवी के आवास पर बैठक होगी और आज भी तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो आज खबर पक्की है कि आज तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं और बैठक में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और तमाम बातें अब रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2020 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी को ज़रूरत है कि मजबूती के साथ वो फिर से मैदान में उतरे। आपको बता दें कि जैसा कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही आरजेडी में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। परिवार हो या पार्टी, आरजेडी में सभी जगह बिखराव की खबरें अब आम हो गई है। तो अब इस बैठक का एक मुख्य उद्देश्य होगा पार्टी को फिर से एक सूत्र में बांधना और फिर से मजबूती के साथ मैदान में आना। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़, साथ ही साथ हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।